नमस्कार दोस्तों दोस्तों मैं आपका दोस्त विकास शर्मा अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो में हम ERP सॉफ्टवेयर में परचेज एंट्री किस प्रकार डालनी है उसके बारे में बताऊंगा। तो चलिए चलते हैं हमारी स्क्रीन की तरफ। ये देखिए कि हमारे सामने परचेज लिखा हुआ है, यहाँ एक परचेज का बटन लगा हुआ है, उसके साथ ही यहाँ एंट्रीज में भी परचेज भी है और साथ में इसकी शॉर्ट की कंट्रोल पी भी दी गई है। तो मैं जैसे करता हूँ कंट्रोल पी परचेज में, अब यहाँ मेरे सामने है न्यू, ये देखिए न्यू, यहाँ अब हमारे सामने आ गया, नई विंडो खुली है, यहाँ इसमें लिखा हुआ है डेट, तो ये ऑटोमेटिक डेट उठा लेगा सेम डे की। अगर आपको डेट चेंज करनी है, बैक डेट में एंट्री करनी है या और कुछ करना है तो आप इसमें एडिट कर सकते हैं। मान लीजिए मैं ये 28 अगस्त 2017 की एंट्री डालना चाहता हूँ। ये देखिए क्रेडिट, आप उसके बाद कैश में, क्रेडिट में आपके उधार में है या कैश में है, मान लीजिए मैं क्रेडिट में है तो क्रेडिट, उसके बाद मेरी एक पार्टी जिससे मेरे को माल लेना है तो ये ऑलरेडी एक सुमेर नाम से पार्टी बनी हुई है, मैं दूसरी पार्टी ऐड करना चाहता हूँ तो यहाँ आप F3 के साथ दूसरी पार्टी ऐड कर सकते हैं। मान लीजिए कोई रमेश नाम से मेरे पास पार्टी है, देखिए रमेश, और ये मेरा सप्लायर, अगर मेरा पीछे का कोई ओपनिंग बैलेंस पेंडिंग है तो मैं यहाँ डाल सकता हूँ। उसके बाद आप उसका एड्रेस वगैरह डाल सकते हैं, मान लीजिए मैं एड्रेस ही मेरी पार्टी है हिसार से है तो मैं ये लिखता हूँ हिसार, एड्रेस में समथिंग जो भी डालते हैं, सिटी हिसार, स्टेट हरियाणा और स्टेट कोड 06, इस प्रकार हम उसकी पूरी डिटेल फिलअप कर सकते हैं। और सबसे जो ज़रूरी देखने वाली बात है वो इसके अंदर ही होगी कि पार्टी टाइप। अब अधिकतर क्या होता है कि हमारी जितनी भी अगर हमारे पास GST है तो हम ज़्यादातर मान लेते हैं वो GST वाली पार्टी से ही होता है, तो वो देखते हैं कि विद इन स्टेट B2B पार्टी है, बिजनेस टू बिजनेस पार्टी है या विद इन स्टेट कंज्यूमर है जिसके पास GST नंबर नहीं है, या आउट ऑफ स्टेट B2B है जिसके पास GST तो है लेकिन वह हरियाणा से बाहर की है, हमारे स्टेट से बाहर की है, उसके बाद आउट ऑफ स्टेट कंज्यूमर, स्टेट से बाहर का कंज्यूमर है, कंपोजिशन वाला डीलर है या NA। तो यहाँ मान लीजिए इसके पास हम इसका डालते हैं आउट ऑफ विद स्टेट B2B। अब उसके बाद इसका GST नंबर डालना कंपलसरी है आपके सामने, तो मान लीजिए मैं डाल देता हूँ वैसे ही कोई डमी डाल रहा हूँ 06ASDFG1234A1ZS, ये 15 डिजिट का होगा आपका, इस तरह मैंने डाल दिया और मैं इसको सेव कर देता हूँ और ये मेरा अकाउंट सेव हो गया। अब देखिए मेरे सामने ये, जैसे ही मैं रमेश सेलेक्ट करता हूँ उसके बाद पार्टी टाइप परचेज टाइप कैसी है, लोकल B2B परचेज है मेरी, वाउचर नंबर, बिल नंबर ऑटोमेटिक उठा ली इसने, उसके बाद बिल डेट भी, मेरा बिल किस डेट का था, मान लीजिए मेरा बिल डेट 25 का था, 25 ये मैंने परचेज बिल डेट डाल दी। उसके बाद आइटम्स पे, अब यहाँ इलास्टिक, सुपर पॉली क्लॉथ, ट्रैक सूट, सुपर पॉली जिप, इस तरह के आइटम्स हैं, मान लीजिए मेरे को इलास्टिक लेना है तो ये इलास्टिक, अब कितने मीटर इलास्टिक चाहिए, अब इसके सामने आप देखेंगे तो ये आपको दिखाएगा कि यही आइटम इस पार्टी से किस रेट में आई थी और यही आइटम दूसरी पार्टी से किस रेट में आई है। अब ये देखिए इसमें ना, इसमें सुमेर से आई है और 10 रुपये के भाव आई है मेरे को, तो मान लीजिए मैं इसका रेट डालता हूँ अब की बार 11 रुपये मीटर, फ्री कुछ नहीं है अब, सॉरी ये यहाँ क्वांटिटी थी, मान लीजिए मेरे को 100 मीटर खरीदना है 100 मीटर, और उसके बाद प्राइस 11 रुपये मीटर और ये 1100 रुपये, और उसके बाद इसका टैक्स अमाउंट, ये टैक्स अमाउंट ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर लेगा जब हम आइटम क्रिएट करते हैं, तो वहाँ हम टैक्स डिसाइड करते हैं कि टैक्स परसेंटेज क्या रहेगा, तो इस हिसाब से ये टैक्स कैलकुलेट कर लेगा। और ये देखिए ये मेरी एक आइटम ऐड होगी, अब उसी के बाद सुपर पॉलीक्रोथ वाले, ये आइटम मैं ऐड करना चाहता हूँ तो यहाँ इसका क्वांटिटी है किलो में, और ये मेरी पहले परचेज नहीं है, मान लिया मैं ये लेता हूँ कि 10 किलो मेरे को परचेज करना है 10 किलो, और रेट मेरा मान लीजिए इसका 500 रुपये किलो है तो 500 और 5000, और ये मेरा 5250 रुपये हो गया। उसके बाद ट्रैक सूट सुपर पॉली है, मान लीजिए मैं ये 10 पीस ये ले रहा हूँ और इसका रेट मेरा 450 रुपये है, 450 के हिसाब से मैं 10 पीस का 4500 रुपये और साथ में 225 रुपये टैक्स अमाउंट, ये हो गया। अब उसके बाद मान लिया जिप है, मैं जिप ले रहा हूँ
अब मान लीजिए मैंने 50 पीस जीप के लिए हैं जीप, अब मेरे को कह रहा है कि 50 पीस के साथ आपको 2 फ्री भी हैं, तो मान लीजिए मैं दो, इसने 50 के साथ मेरे को 2 फ्री भी दे दिया, फ्री भी डालता हूँ, और मेरे को इसका रेट 10 रुपये पर जीप लगाया है। अब ये 2 फ्री के साथ मेरे को मान लीजिए 5% डिस्काउंट भी दे रहे हैं, तो मैं यहाँ 5% अपना डिस्काउंट भी ऐड कर सकता हूँ, और ये मेरे को टोटल अमाउंट 560.50 हो जाएगी, और इस तरह मेरी ऐड हो जाएगी। और मैं इसको सेव करना है तो डायरेक्ट यहाँ से सेव कर सकता हूँ सेव, और ये मेरा एंट्री सेव हो गया। अब मैं देखता हूँ क्या क्या मेरी एंट्री सेव हुई है, तो मैं इसको स्टॉक रजिस्टर में चेक कर सकता हूँ। ये देखिए मेरा स्टॉक रिपोर्ट, और ये स्टॉक रिपोर्ट्स में ये देखिए, ये अभी जो मैंने परचेज की है ये आपको परचेज क्वांटिटी ये है 310 पीस, 10 पीस और 52 पीस, क्योंकि 50 प्लस 2 हो गया, 2 मेरे को फ्री मिले थे, 10 10 मैंने ये लिए थे, 300 पीस इलास्टिक लिया था। इस प्रकार मेरी परचेज एंट्रीज के अंदर स्टॉक में अपडेट है। और उसके बाद मैं अगर डे बुक चेक करता हूँ तो ये देखिए इसमें मेरी कोई भी आज की एंट्री नहीं है, क्योंकि वो मैंने 28 में डाली थी, इसलिए मैं देखता हूँ 28 में। ओके ये देखिए मैंने सुमेर से, सॉरी रमेश से परचेज किया है, ये रमेश का अकाउंट है, रमेश इतना मेरा CGST, इतना SGST और टोटल अमाउंट इतनी है। अगर मेरे को रमेश की लॉग बुक चेक करनी है तो मैं यहाँ से रमेश की लॉग बुक भी चेक कर सकता हूँ कि रमेश से मेरी कितनी परचेज हुई है। ये रमेश, ओके ये देखिए रमेश से मेरा इतना परचेज है, और मैं परचेज रजिस्टर में भी इसको चेक कर सकता हूँ। मेरा था 28 को था, तो मैं मान लीजिए 25 से 28 को देखता हूँ, 28 को ओके, और ये देखिए ये इतना मेरा सामान परचेज हुआ है, ये रमेश से है, ये सुमेर से है, तो रमेश से मैंने इतनी चीज़ें परचेज की हैं। मेरे को डिस्काउंट अमाउंट 25 रुपये मिला है, 5% डिस्काउंट था, बेसिक अमाउंट वगैरह सब कुछ लगा हुआ है। इस प्रकार हम कोई भी एंट्री अपनी परचेज एंट्री कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे को लिख सकते हैं, मैं आपकी समस्या का समाधान करने का पूरा पूरा कोशिश करूंगा, हो सकेगा तो मैं आपको उस समस्या के लिए आपकी वीडियो भी उपलब्ध करवाने का पूरा पूरा प्रयास करूंगा। ओके थैंक यू दोस्तों।